अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये देखिए, ये बिना डरे बिना घबराए नॉर्मल कपड़े पहन के शुभ सर के रूम में जा रही है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इसके रूम में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ ही नहीं था। ये झूठ बोल रही थी सबसे। और ये देखिए, इसके बैग में साफ साफ वो नाइटी नजर आ रही है। ये वही नाइटी है जो इसने शुभ सर के रूम में पहनी थी। ये शुभ सर के रूम में गई, इसने नाइटी चेंज की, और नाइटी इसलिए चेंज की ताकि उनको बहला सके और उनको फंसा सके। देखिए इस वीडियो को, अगर ये शॉर्ट सर्किट से घबराई हुई होती तो ये शुभ सर के रूम के बाहर ऐसे लिपस्टिक लगा रही होती? कितनी बेशरम लड़की हो तुम, हमारे शुभ को फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो कहते हैं ना, झूठ कितना भी छुपाने की कोशिश करो वो छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और अगर आप लोगों को अभी भी मुझ पे यकीन नहीं है तो मेरे पास और भी सबूत है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? ये सच नहीं, बस मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारी एक चाल है। आप सब लोगों को अभी वही दिख रहा है जो शगुन आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। पर मेरा यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। तुम क्या कहना चाह रही हो? ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये तुम्हारा भूत है जिसने लाली लिपस्टिक लगाया और शुभ के कमरे में चला गया, यही कहना चाह रही हो तुम? ये सच है कि मैं शुभ के कमरे में गई थी, लेकिन शुभ ने खुद मुझे वहां बुलाया था। बस करो काजल, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, कितना झूठ बोलोगी? क्या हुआ शुभ, तुमने तो होटल में कहा था मैं सब संभाल लूंगा। अब सबके सामने तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, इसलिए तुम्हें मेरी बातें झूठी लगने लगी। आप लोगों को आपका लड़का कभी दोषी नहीं लगेगा, क्योंकि गलती मेरी है। मैंने पहले सच नहीं बताया, मैं अच्छे से जानती हूँ देर से बोला गया सच झूठ के बराबर ही होता है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ और शुभ ने अगर मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की है तो इसके हाथ में मेरे नाम की मेहंदी क्या कर रही? जवाब दो शुभ, करवा चौथ के दिन तुमने मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथ पे क्यों लगाई है? मैं सबको पहले ही बता चुका हूँ और सब जानते हैं कि ये मेहंदी तुमने खुद अपने हाथों से मेरे हाथों पे लगाई। मैंने तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगाई और तुमने लगवा ली? उस वक्त मैं सो रहा था, मैं गहरी नींद में था, मुझे पता नहीं चला। तुम इतना बेहोशी में सोते हो कि मैंने आके तुम्हें मेहंदी लगाई और तुम्हें होश भी नहीं आया। तुम चाहे सच छुपाने की कितनी भी कोशिश करो, लेकिन वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाएगा, क्योंकि वो खुद ही अपना वकील होता है। सबको जवाब दो ना शुभ, जब मैंने आके तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगाई तो तुम्हारी नींद क्यों नहीं खुली? तुम्हारे पति के पास इसका कोई जवाब नहीं, अभी भी तुम्हें मैं ही गलत लग रही हूँ शगुन। इसका जवाब हमारे पास है। आप लोग एक मिनट रुकिए। मेडिसिन देके कुछ याद आया? इसे मुझे दे दो। भैया, इन्होंने ये दवाई देकर पहले आपको बेहोश किया और उसके बाद इन्होंने आपके हाथों में मेहंदी लगाई। क्या
क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये दवा मेरी है? जहाँ सबने दवाई ली थी ना, उसका रसीद भी है मेरे पास। ये देखिए। चाचा जी, इन्होंने भाई को ऐसी मेडिसिन दी जिससे कि भाई अपने खुद पर से काबू खो सके। बकवास बंद करो अपनी। यह सब आपने इसलिए किया ना ताकि आप भैया को अपने फरेब के जरिए हासिल कर सको। और रबिश, तुम्हारे कहने से सच झूठ में नहीं बदलने वाला, समझे तुम? लेकिन आपके बोलने से जरूर होगा। देखिए चाची जी, अभी भी आपके पास मौका है, अपने मुंह से सबके सामने सच सच बता दीजिए, वरना इस दलदल में ना और भी फंसती जाएंगी। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर मुझे शुभ को हासिल करना होता तो मैं उसे 5 साल पहले ही हासिल कर चुकी हूँ। मैं जब कॉलेज में थी तब मैं शुभ के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर मुझे उसे हासिल करना होता तो मैं उसी वक्त उसके साथ शादी कर लेती, लेकिन मैंने अपना बच्चा अबॉर्ट कर दिया क्योंकि मैं इस फटीचर के साथ कभी अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। अगर मुझे तुम्हारा भाई चाहिए होता ना तो मैं अपना बच्चा गिराकर उसे छोड़ती नहीं। हमेशा से अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चाहती थी जो मेरे सपनों को और मेरे ख्वाहिशों को पूरा कर सके, ना कि इसके जैसा फटीचर जिसके पास मेरे लिए अंगूठी खरीदने के भी पैसे नहीं हुआ करते। मुझे संभालना इसके बस की कभी थी ही नहीं। पास्ट के जैसे आज भी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे सामने इसकी ना कोई औकात थी और ना कभी होगी। तो फिर तुमने ये सब क्यों किया? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मैं बस इसको अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए देखना चाहती थी। सही किया। प्यार, मोहब्बत, शादी, रिश्ते, इन सब चीजों को जरिया बनाया अपनी अय्याशी का तुमने। हाँ, तुम मुझे लूटती रही, अपनी जरूरतें पूरी करती रही, और मैं ये समझता रहा कि तुम्हारा ये प्यार है। चुप, बिल्कुल चुप। कितनी लालची लड़की हो तुम। इस मेरी बात सुन। तुम्हें मैं खुश देखना चाहता था हमेशा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। तुम्हारी नजर में सिर्फ मैं एक पैसे का पेड़ था, पति नहीं, एक आम आदमी जिसको तुम इस्तेमाल कर रही थी, फायदा उठा रही थी। शुभ बेटा, मैं माफी चाहता हूँ, माफ कर दो मुझे। इस औरत की वजह से मैंने तुम पर शक किया। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रहे। सोचने समझने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं सोच भी नहीं सकता था इतनी गिरी हुई, इतनी घिनौनी लड़की को मैं कभी पहचान नहीं पाऊंगा। चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर, चली जाओ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई अहमियत अब नहीं है, दूर चली जाओ। आप मुझे गलत समझ रहे, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। अब मुझे समझ में आया कि तुम शुभ के साथ में अकेले क्यों जाना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले तुमने गलत दवाइयां देके मुझे बीमार कर दिया ताकि मैं ना जा पाऊं। उसके बाद मैं शुभ के साथ वहां पर गई और अपने हुस्न के जाल में उसको फांस के उससे बदला लेना चाहती थी तुम, ताकि उसकी फैमिली खराब हो और तुम्हारा बदला पूरा आ जाए। कितनी गिरी हुई औरत हो तुम, कितनी लालची औरत हो तुम। जा रहा हूं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं।
प्लीज। तुम अब यहाँ पर अकेले सड़ोगी, सड़ सड़ के अपनी जिंदगी बिताओगी। हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। देखा आज कैसे तुम्हारे एक झूठ की वजह से और तुम्हारी खराब नीयत की वजह से तुम्हारा सब कुछ छिन गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे सामने। तुम्हें तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें भी। हमारे तो समझ के परे है कि ये औरत हमारे बच्चों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही थी और हमें भनक तक नहीं लगी। माफ कर दीजिए दादी, मुझे आपको सब पहले बता देना चाहिए था, वरना आज ये दिन ना देखना पड़ता। गलती तो हमसे भी हुई है ना, हमें माफ कर दो। तुम सही कहती थी माई, मुझे शगुन से कुछ छिपाना ही नहीं चाहिए था। तो आज ये तमाशा ना होता। तुमसे तो मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और ना ही कुछ छिपाना चाहिए था, क्योंकि एक झूठ एक रिश्ते में विश्वास को खत्म कर देता है और अपना चाहते हुए भी अपनों को खो देते हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला पाते। माफ कर दे। चलो योग। रुकिए शिव सर। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, क्योंकि मैंने आप पे विश्वास नहीं किया। अगर मैंने आपकी बातों पे विश्वास किया होता तो आज ये बात यहां तक नहीं पहुंचती। कान्हा दोनों की जोड़ी सलामत रखे। तो जबरदस्त है कनिका, पूजा की सारी तैयारी हो गई है ना? जी अम्मा जी, हो रही है। और देखो पूजा की थाली में 21 दिए होने चाहिए। ठीक है, रुको।
राम भगवान की तरह इस घर के राम ने भी बुराई को मात देकर जीत हासिल की है, तो उसके लिए विजय तिलक और आरती तो होनी चाहिए ना। आपने मुझे रोक के तो मुझे डरा ही दिया था। मेरा लल्ला। आप ये बता देंगे? अरे हम सब यहाँ है तो माई बिटिया कहाँ गायब हो गई? ने देख क्या था? हाँ। माही माही कहाँ चली गई? माही कहाँ चली गई? पता नहीं बेटा, इस तरह से किसी को बताए बिना माही कहाँ जा सकती है? चुप सर, माही अपने कमरे में नहीं है और उसका सामान भी वहां पे नहीं है। अरे ये तो हद हो गई। अम्मा जी, वो नव्या भी सुबह से घर पे नहीं है। कहीं नव्या ने माही से बदला लेने के लिए उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हम यहां हैं भैया। कहाँ थे तुम दोनों? माही बिना बताए घर छोड़कर जा रही थी, मैं उसे लाने के लिए गई थी। माही क्या सच है? दीदी सही कह रही है भैया, देर से ही सही पर मैं समझ चुकी हूँ कि प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। तुम दोनों को अपनी आने वाली खूबसूरत जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट योग। नव्या तुम ये क्या कह रही हो? जो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं वो एक दूसरे के साथ रहे तो बेहतर होता है, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना माही, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी बहन ने आज तक बहुत गलतियाँ की, पर जेन्युइनली मुझे बहुत अफसोस है उनका। ऐसी बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, मुझे एक और मौका दे दीजिए भैया। अरे वाह भाई, तैयारियां तो जोरों शोरों से है, क्या बात है। नहीं नहीं माई, क्या कर रही हो? यहाँ नहीं, बाहर। आतिशबाजी बाहर करते हैं, है ना? देखो सब लोग आ भी गए हैं। अरे चलो चलो। डॉक्टर साहब, हैप्पी दिवाली। शुभ दीपावली। नव्या, शुभ दीपावली। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। अब आए हैं तो हमारे साथ आतिशबाजी भी कर लीजिए, है ना? नव्या बेटा, डॉक्टर साहब को लेके जाओ। चलो चलो, तुम लोग भी चलो। चले आओ।
क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। देखो अब अगर अभी भी कोई डाउट आता तो तुम क्लियर कर सकते हो। नहीं शुभ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि काजल ने आपके साथ जो भी कुछ किया वो बहुत बुरा था, और उसके ऊपर मैंने आपके ऊपर शक किया। आई एम रियली सॉरी। ये सब बातें छोड़ दो, देखो सब कितने खुश हैं। काजल के बारे में सोचना बंद करो। मैं काजल के बारे में बात नहीं कर रही, मैं तो उस बच्चे के बारे में सोच रही हूँ जिसे खोने के बाद आपको बहुत धक्का लगा था। मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपको बच्चे कितने प्यारे लगते हैं। वो बीत चुका है, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। चलो। किसने कहा बदला नहीं जा सकता? अगर एक दूसरे से प्यार है तो सब कुछ मुमकिन है। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो ना। शुभ सर, अब शुभ और शगुन को कोई चाहकर भी अलग नहीं कर सकता। I'm pregnant. क्या? I love you, Shagun. I love you. Oh my God. तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है मुझे।